दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट हो सकता है आप काफ़ी टाइम से यूज कर रहे हैं, काफ़ी सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपकी एक भी रील वायरल नहीं हुई होगी। क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप रील अपलोड कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत तरीके से अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको बिल्कुल तरीका ही नहीं पता हो इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कैसे करना है। कुछ सेटिंग्स है जो मैं बताऊंगा, रील अपलोड करना तो सभी लोग जानते हैं लेकिन कुछ सेटिंग्स होती है जिनको आपको इनेबल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करते टाइम आपको क्या करना है, जिनमें से आपके रील वायरल होने में बहुत ज़्यादा एक तरह से हेल्प करेंगे वो टिप्स और कुछ सेटिंग्स। तो डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं एक बार इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक बार आपको रील अपलोड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग रील अपलोड करते हैं जब आप अपलोड करते हैं। कभी भी आपको रील अपलोड करनी होती है तो प्लस के आइकन पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको रील का ऑप्शन आ जाएगा। कोई भी गैलरी में से रील ली या फिर कोई क्रिएट की, आपने कोई भी रील सेलेक्ट कर ली मान लो, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एडिटिंग वगैरह की नहीं की, कुछ नहीं किया आपने मान लो तो, और आपको डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, शेयर पर क्लिक करके आपने रील अपलोड कर दी। कुछ करते हैं लोग इसमें टैग वगैरह लगाते हैं, जो कुछ लगाते हैं कुछ नहीं लगाते, डायरेक्ट शेयर पर क्लिक कर देते हैं, रील आपकी अपलोड हो जाती है और कुछ 10-20-30-50-100 व्यूज आकर आपके रह जाते हैं। तो भाई ये तरीका है जो बिल्कुल गलत तरीका है रील अपलोड करने का। अब मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग से बताऊँगा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा वीडियो को समझने में, बस वीडियो को ध्यान से देख लेना। बिल्कुल जो तरीका बताऊंगा आज की वीडियो में आपको उसको जरूर फॉलो करना है, और अगर रील पर व्यूज ना आए तो मुझे कमेंट करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है आपने अपना अकाउंट कब बनाया है। इंस्टाग्राम अकाउंट हो सकता है आपने अभी कुछ दिनों पहले बनाया, और अकाउंट बनाने के बाद तुरंत आपने उस पर रील अपलोड करने स्टार्ट कर दिया है और आपने चेक नहीं किया है कि आपका अकाउंट है कौन सा। तो सबसे पहले आपको अकाउंट चेक करना है, और अगर आपका कोई अकाउंट पुराना भी है तो भी हो सकता है काफ़ी टाइम से आपका अकाउंट है जो गलत बना हुआ है, तो अकाउंट को चेक करना है। सबसे पहले आपका अकाउंट है कौन सा जिस पर आपकी रील की रीच क्यों नहीं बढ़ रही है। तो अकाउंट को चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल वाला आइकन दिखेगा नीचे कॉर्नर में, फोटो है जो, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको राइट साइड में 3 लाइन्स दिखेंगी, थोड़ा सा लोड ले रहा है अभी दिखाता हूँ। प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक किया, अब राइट साइड में आपको 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है। 3 लाइन्स पर क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा ऊपर ही ऊपर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर आपको एक ऊपर ऑप्शन दिखेगा अकाउंट प्राइवेसी का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है कि प्राइवेट अकाउंट है या फिर नहीं है आपका। अगर यहाँ से प्राइवेट अकाउंट इनेबल है तो समझ लेना आपका अकाउंट एक तरह से प्राइवेट है, आपका अकाउंट आपने प्राइवेट बनाया हुआ है, तो आपका अकाउंट प्राइवेट है। अब क्या करना है आपको, आपका अकाउंट प्राइवेट है तो आपको क्या दिक्कत आ रही होगी मैं आपको बताता हूँ। आपका अकाउंट प्राइवेट है तो यहाँ पर तो इस अकाउंट के 39,000 फॉलोवर्स है, लेकिन अगर आपके मान लो कितने ही फॉलोवर्स है, चाहे 1,000 फॉलोवर्स है चाहे 2,000 फॉलोवर्स है, तो आपके अकाउंट जब इतने फॉलोवर्स है आपके अकाउंट के, तो प्राइवेट अकाउंट करने के बाद जो फॉलोवर्स हैं आपके उन फॉलोवर्स तक ही आपकी रील जाएगी और आपकी रील आगे नहीं बढ़ेगी। मान लो आपके 500 फॉलोवर्स हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 500 फॉलोवर आपकी रील को देख पाएंगे और अदर पर्सन आपकी रील को नहीं देख पाएगा, जिस वजह से भी आपकी रील वायरल नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, यहाँ से अकाउंट प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पर इसको पब्लिक कर देना है। सबसे पहले ये यहाँ से प्राइवेट अकाउंट है जो ऑफ़ रहना चाहिए, हमारा पब्लिक अकाउंट रहना चाहिए, इसको ऑफ़ कर देना, मेरी तरह जो आपको शो हो रहा है इस तरह से रहना चाहिए, मेरा पब्लिक अकाउंट है। अब पब्लिक अकाउंट होने के बाद भी कुछ सेटिंग है, पब्लिक अकाउंट हो गया और अब आपको नीचे देखना है यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में, यहाँ पर जो एडिट प्रोफाइल, शेयर प्रोफाइल, सब्सक्रिप्शन ये शो हो रहा है, उसके ऊपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड है शो हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रोफेशनल डैशबोर्ड में भी आपको 2 अकाउंट दिखेंगे, मतलब एक तरह से मेरा ये प्रोफेशनल अकाउंट है, लेकिन आपको चेक करना है प्रोफेशनल अकाउंट में भी कौन सा अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो पब्लिक अकाउंट होना चाहिए, पब्लिक में भी आपका अकाउंट पर्सनल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट की भी यही प्रॉब्लम है, अगर आपके पर्सनल अकाउंट में आप रील डालेंगे तो आपकी रील की रीच ज़्यादा नहीं पड़ेगी, आपका अकाउंट पर्सनल रहेगा। सबसे पहले आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो प्रोफेशनल अकाउंट में भी आपका कौन सा अकाउंट है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो रहा है तो आपको डायरेक्ट प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा है तो क्या करना है मैं बताऊंगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो रहा है यहाँ पर सामने, तो आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक किया, ऊपर आपको सेटिंग्स का गोल आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको ऊपर से 4th नंबर पर ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएटर या फिर बिजनेस, इस पर क्लिक करना है क्रिएटर पर, तो समझ लेना आपका क्रिएटर अकाउंट है, क्रिएटर शो हो रहा है तो, और बिजनेस शो हो रहा है समझ लेना बिजनेस अकाउंट है आपका। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे स्विच अकाउंट टाइप का, स्विच अकाउंट टाइप पर क्लिक कर देना है। स्विच अकाउंट टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो हो रहा है स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू पर्सनल अकाउंट। अगर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा स्विच टू क्रिएटर अकाउंट, तो आपको क्रिएटर अकाउंट बनाना है,
भाई प्रोफेशनल अकाउंट में दो अकाउंट होते हैं, क्रिएटर और एक बिजनेस। तो आपको बिजनेस नहीं बनाना है, क्रिएटर बनाना है, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, रील बना रहे हैं, रील का प्रमोशन कर रहे हैं, कोई ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, तो बिजनेस बनाना है भाई आपको। बिजनेस में मतलब ब्रांड के प्रमोशन से ये मतलब नहीं कि आप कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं पैसे लेकर, वो नहीं। आप कोई खुद ही बिजनेस मैन है, किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपके खुद के प्रोडक्ट को, और बिजनेस के पर्पज से आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बनाया है, तो बिजनेस सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो क्रिएटर अकाउंट आपका होना चाहिए। अब आप वहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा है सामने, तो वापस आपको पीछे चलना है, प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक किया, राइट साइड में थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऑर्डर, यहाँ ऑप्शन दिखेगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो अगर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा है तो नीचे नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप एंड टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट टाइप एंड टूल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मेरे में अकाउंट टाइप एंड टूल्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा क्योंकि मुझे प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो रहा है, मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है ऑलरेडी, तो मुझे ऑप्शन शो हो रहा है पर क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, तो आपको अकाउंट टाइप एंड टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, नीचे नीचे ढूंढ लेना, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा स्विच अकाउंट टाइप का, स्विच अकाउंट टाइप पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे स्विच टू बिजनेस अकाउंट आ रहा है मेरा, तो आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर देना, अकाउंट आपका प्रोफेशनल बन जाएगा। कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके प्रोफेशनल अकाउंट बना लेना, और फुल वीडियो चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अकाउंट प्रोफेशनल कैसे बनाएं। अकाउंट सबसे पहले आपका प्रोफेशनल बन गया, ये काम आपको खत्म हो गया। अब आपको रील कैसे डालनी है मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट प्रोफेशनल बनने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करना है। अब राइट साइड में थ्री लाइन साइन पर क्लिक करना है, थ्री लाइंस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है। अब धीरे धीरे नीचे आना है आपको, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा शेयरिंग एंड रिमिक्सेस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इनको ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर ऑप्शन है इनको इनेबल करके रखना है आपको, जैसे अलाउ पोस्ट एंड रील शेयरिंग टू स्टोरीज, आपकी स्टोरी पर रील वील आपकी जो शेयर हो जाएगी इसको इनेबल करके रखना है। दूसरा यहाँ पर अलाउ स्टोरी शेयरिंग इन मैसेजेस, मैसेजेस में भी आपकी स्टोरी शेयर हो जाएगी, इसको भी आपको इनेबल करके रखना है। अलाउ नोट्स ऑन पोस्ट एंड रील, इसको भी इनेबल करके रखना है, और आपके इन सबको इनेबल करके रखना है। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है अलाउ रीयूज ऑफ रील्स, आपकी रील को कोई रीयूज करेगा, मतलब आपके कोई रील को यूज करके अपनी रील भी क्रिएट कर सकता है, तो इसको भी आपको इनेबल करके रखना है, क्योंकि आपकी रील को कोई यूज करेगा तो आपका ही प्रमोशन होगा, एक तरह से आप ही फेमस होंगे इंस्टाग्राम पे, तो इसको भी यूज करके रखना है। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स, तो डाउनलोड को भी इनेबल कर देना या फिर नहीं करना, ये आपके मन की मर्जी बात है। कोई आपको रील को डाउनलोड करना चाहता है तो इसको डाउनलोड कर ले देना वैसे, क्योंकि आपकी रील को कोई डाउनलोड करेगा तो आपके लिए अच्छी बात है वैसे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आके एक ऑप्शन और दिखेगा, यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग पर आपको क्लिक कर देना है। क्रॉस पोस्टिंग पर क्लिक करने के बाद आपका फेसबुक अकाउंट जो इंस्टाग्राम से कनेक्ट होगा, नहीं है तो कर लेना वैसे, यहाँ पर आपको अकाउंट सेंटर में आना है। अकाउंट सेंटर में आने के बाद यहाँ पर अकाउंट को इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो फेसबुक पर भी शेयर हो जाएगी, जो इंस्टाग्राम पोस्ट और ये इंस्टाग्राम स्टोरी और इंस्टाग्राम रील, और पोस्ट रील दो तीनों चीज़ आपकी इंस्टाग्राम की फेसबुक पर भी शेयर हो जाएगी, ये आपके लिए अच्छी बात है। फेसबुक की ऑडियंस भी आपकी इंस्टाग्राम पर आएगी, जब भी कोई आप रील डालेंगे तो फेसबुक पर शेयर हो जाएगी और आपकी फेसबुक की ऑडियंस इंस्टाग्राम पर ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे भी आपकी रील पर बहुत अच्छे खासे व्यूज आपको मिलेंगे। और एक अब सबसे मेन काम आपको करना है, कौन सा करना है, जैसे कोई रील आप क्रिएट करते हैं, जैसे कोई रील मैं प्ले करके दिखाता हूँ एक बार आपको, तो कोई भी रील है आपको, जैसे रील में देखना है कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज करना है, ट्रेंडिंग सॉन्ग कैसे यूज करेंगे, जैसे कोई भी रील आप देख रहे हैं तो उसमें नीचे एक एरो का निशान लग रहा होगा, ऐसे ऊपर की तरफ नीचे एरो का निशान है, जो इस म्यूजिक पर आपको क्लिक कर देना है। ये म्यूजिक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा जिन लोगों ने इस म्यूजिक को यूज करके वीडियो क्रिएट की है, रील वीडियो, उनके वीडियो पर कितने कितने व्यूज आए, आपकी वीडियो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। जब आप इसको यूज करेंगे आपके व्यूज अच्छे खासे आ जाएंगे, जब आपका यूज सॉन्ग कोई आपके म्यूजिक पर क्लिक करके जब रील वीडियो क्लिक करेगा तो आपका वीडियो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। अब आपको जैसे ये म्यूजिक यूज करना है, यही वाला म्यूजिक यूज करना है जो ट्रेंडिंग में है, आपको यूज ऑडियो पर क्लिक कर देना है। यूज ऑडियो पर क्लिक करते ही आपको अपनी गैलरी में से कोई भी रील ले लेनी है जो आपने पहले ही क्रिएट की हुई है, और उसमें आपका म्यूजिक वैसे दूसरा भी होगा या फिर आप बोल रहे हैं या फिर कोई दूसरा सॉन्ग आपने लगाया हुआ है तो कोई बात नहीं, तब भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रील आपने ले ली, एडिटिंग वगैरह कर लेना। अब आपको यहाँ पर नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, वॉल्यूम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो आपने सॉन्ग यूज किया है, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है, उसका तो वॉल्यूम आपको बिल्कुल बंद कर देना है, जीरो कर देना है, और जो आपकी वॉल्यूम है उसको आपको फुल कर देना है, मतलब आपका जो वॉल्यूम है आपकी वीडियो का जो ऑडियो है
वो तो लोगों को सुनाई देगी फुल वॉल्यूम में, लेकिन जो आपने ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज किया है उसको बिल्कुल जीरो कर देना है, यानी कि वो म्यूजिक सुनाई नहीं देगा। कुल मिलाकर जो म्यूजिक है वो ट्रेंडिंग सॉन्ग है जो, वो आपको सिर्फ लगाना है, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देनी क्योंकि आपकी वीडियो में आपका वॉइस आ रहा है। तो ये ऐसा आपको करना है, ट्रेंडिंग सॉन्ग आपको बस यूज करना है और आपकी रील में आपको खुद की ऑडियो सुनानी है, उसको आपको सुना देना है। तो ये ध्यान रखना है, बस म्यूजिक आपको ट्रेंडिंग यूज करना है, डबल म्यूजिक लगाना है, खुद का म्यूजिक की वीडियो खुद की जो ऑडियो की आवाज़ है वो तो फुल कर देनी है और ट्रेंडिंग म्यूजिक की आवाज़ है उसको बिल्कुल स्लो कर देना है, इस तरह से लगा लेना। और एक यहाँ पर जो कवर होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोई रील अपलोड करके, जैसे आप यहाँ पर कवर लगाएंगे तो यहाँ पर एडिट कवर पर आपको क्लिक करना है। एडिट कवर आपका जो कुछ ऐसा लगा देते हैं, यहाँ पर इनमें सेलेक्ट करके कोई भी लगाते हैं जो अच्छा लगता है, नहीं तो आपको कोई एडिट कवर पहले से क्लिक करके रखना है, कोई गैलरी में से ले लेना है, ऐड फ्रॉम कैमरा रोल, यहाँ पर क्लिक करके गैलरी में से ले लेना है आपको, जो कोई भी आपके अकाउंट पर आएगा तो उसको एडिट कवर दी, जो कवर दिखेगा उस कवर को देखकर भी आपके रील पर ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, उस वजह से भी आपके व्यूज अच्छे खासे आएंगे। कुल मिलाकर आपको रील अपलोड करते टाइम जो सेटिंग्स हैं इनको इनेबल जरूर करना है, और कुछ जो टिप्स मैंने बताई है रील अपलोड करते टाइम उनको आपको जरूर यहाँ पर सेट करके रखना है। तो इस तरह से आपकी रील पर अच्छे खासे व्यूज आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो ये सब सेटिंग मैंने आपको बता दी, इनको जरूर यूज करना, और कोई सवाल है आपके मन में और कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।